Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 6 of Hornbill. The bowing version, a bowing version likha hai Terence Rettingham ne. अब टेरेंस रेटिंगम यहाँ पे पूरे में जो ये प्ले है पूरा उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसको डिफाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है दिस इज अन एक्सेप्ट फ्रॉम द अबोविंग वर्जन द सीन. अब यहाँ पे जो अबोविंग वर्जन है पूरा प्ले है उसमें से ये सीन लिया गया है. द सीन इज सैड इन एट स्कूल फ्रेंड इज अ यंग एंड क्रूकर हैरिस मिडल एज्ड बोथ आर मास्टर. अब दो मास्टर की बात की तो फ्रैंक है और दूसरे हैं क्रॉकर हैरिस. टेप्लो इज द बॉय इज 16 हु हैज कम इनटू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड विद द फ्रैंक एंड फ्रैंक फाइन टेप्लो इज वेटिंग. यहाँ पे सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि फ्रैंक है और टेप्लो के बीच बातचीत चल रही है. फ्रैंक है वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल में आया होता है, जो स्कूल का लास्ट डे होता है, और वो क्रोकर हैरिस की जो है वो वेट कर रही है, पर अभी तक तो क्रोकर हैरिस वहाँ पे आए नहीं है. तो फ्रैंक है और डेप्लो है, उसके बीच की जो है कन्वर्जेशन यहाँ पे बताई गई है. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. फ्रैंक कहता है डू आई नो यू. डेप्लो रिप्लाई हिम विद नो शक नो सर. फ्रैंक से व्हाट्स योर नेम. टेप्लो रिप्लाई द टेप्लो. फ्रैंक सेड दैट फ्रैंक आस्क्ड द टेप्लो द टेप्लो नो आई डोंट यू आर नॉट द साइंटिस्ट आई गैदर. टेप्लो सेड नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माय रिमूव ऑल राइट. रिमूव यहाँ पे क्या है, अ डिवीजन इन द ब्रिटिश स्कूल. जैसे हमारे इधर अलग अलग डिवीजन दिए जाते हैं बच्चों को, ग्रेड दिए जाते हैं, तो यहाँ पे रिमूव एक ग्रेड है जो ब्रिटिश स्कूल में दिया जाता है. तो वो सबसे पहले फ्रैंक पूछता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो टेप्लो कहता है नहीं. फ्रैंक कहता है तुम्हारा नाम क्या है. टेप्लो कहता है मेरा नाम तो टेप्लो है. वो कहता है कि तुम साइंटिस्ट हो. तो टेप्लो कहता है नहीं, अब तक मुझे रिमूव नहीं मिला है और मैं अभी लोअर क्लास में हूँ. फ्रैंक कहता है, फ्रैंक फिर से पूछता है उससे, डोंट यू नो इफ यू आर अबाउट योर रिमूव. नो, फिर टेप्लो कहता है, टेप्लो रिप्लाई टू देम हिम नो सर मिस्टर क्रूकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर. मैं कहता है कि तो तुम्हें रिमूव अपना रिमूव के बारे में यार पता नहीं, तुम्हें क्या ग्रेड मिले हैं क्या मार्क्स मिले हैं उसके बारे में पता नहीं है. तो टेप्लो कहता है नहीं, मिस्टर क्रूकर हैरिस है वो हमें अभी उन्होंने अपने मार्क्स हमारे मार्क्स नहीं दिए हैं, जैसे बाकी जहाँ सारे मास्टर ने उन्हें अपने स्टूडेंट को दे दिए हैं वैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं. फ्रैंक कहता है व्हाई नॉट. टेप्लो से वेल यू नो व्हाट ही लाइक्स. फ्रैंक से आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड नॉट बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. टेप्लो से यस बट वो एज पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट अ मिस्टर क्रूकर हैरिस. फ्रैंक सेड आई डोंट एडमायर बट दैट्स अ नो सर ब्रिटिश क्राइटेरियन सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट. हैव यू टेप्लो सेड यस सर. फ्रैंक सेड सपोजिंग द आंसर इज अ फेवरेबल व्हाट देन. टेप्लो सेड ओ साइंस सर ऑफ कोर्स. फ्रैंक सेड फेयरली यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. अब स्लैकर्स मतलब क्या होगा, जो हार्डवर्किंग नहीं होते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं उन्हें स्लैकर्स कहते हैं. के डेप्लो कहता है अगर पोटेंशियली आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. आर यू. आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच. डेप्लो से वेल ऑलवेज सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मॉक इंटरेस्टिंग इन ग्रुप. फ्रैंक से व्हाट इज द मॉक. टेप्लो से एल्केस एस्किलिस सर द एगामेमनॉन. फ्रैंक से एंड योर कंसिडरेट व्यू इज दैट एगामेमनॉन इज मॉक. अब यहाँ पे दोनों के बीच क्या कन्वर्जेशन हो रही है, वो दोनों ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं. फ्रैंक कहता है कि तुम्हें अभी तक ग्रेड नहीं मिला. तो जो टेप्लो कहता है नहीं, तो क्यों
नहीं मिला है। वो कहता है कि पता नहीं सर, हमारे थोड़े स्ट्रेंज सर हैं हॉरेंस, उन्होंने अभी तक हैरिस सर ने हमें दिए नहीं है। फ्रैंक कहता है ये तो रूल है कि सारे हेडमास्टर को अपने क्लास पे सारे बच्चों को रिमूव दे देने चाहिए। डेब्लो कहता है हाँ ये सही बात है, पर हमारे साथ थोड़े इन सबसे अलग हैं, स्ट्रेंज हैं। फ्रैंक कहता है कि तो तुम्हें अगर तुम्हें अवार्ड्स अच्छे मिले या बुरे मिले तो तुम क्या रखोगे? तो डेब्लो कहता है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं साइंस लूँगा, साइंस स्ट्रीम में जाऊँगा। तो फिर फ्रैंक कहता है वो सैडली क्यों कह रहा है क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम में नहीं है। तो वो कहता है कि तो मुझे हम लोगों को तो सिर्फ स्टैकर्स ही मिलेंगे, मतलब जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, वो तो सिर्फ साइंस में चले जाते हैं, इसलिए उन्हें वैसे स्टूडेंट मिलते ही नहीं है। फिर टेब्लो कहता है नहीं मुझे इसलिए नहीं रखना क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे तो साइंस में एक्चुअली इंटरेस्ट है, इसलिए मैं साइंस रखना चाहता हूँ। अब टेब्लो कहता है कि तुम्हें रीड करनी चाहिए क्योंकि तुम मग कभी रीड करते हो। तो फ्रेंड ने कहा कैसे मग? तो टेब्लो मतलब कि सॉरी, वो कहते हैं कि यस सर गुड डील विथ एक्साइटिंग द मग। अब वो एक टेब्लो एक मग की बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है, जो बुक होती है उसमें। तो फ्रेंड कहता है कि कैसी मग की बात कर रहे हो तुम, कौन सी मग की? तो टेब्लो कहता है एकिलस सर। अब उन दोनों की बुक की बात हो रही है जिसमें टेब्लो कहता है कि वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मग एग्जैक्टली, आई सपोज इन द वे इट इज़ अ रादर गुड प्लॉट, रियली वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, आई ओनली मैंट टू वे इट्स अ टॉक टू अस जस्ट लुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स ट्रेवल टूगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग यू। फ्रेंड सेड यू साउंड अ लिटल बिटर टेब्लो। टेब्लो सेड आई एम रादर सर। फ्रेंड सेड कैप्टन। टेब्लो सेड नो सर एक्स्ट्रा वर्क। फ्रेंड कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे टेब्लो कहता है उसे ये बहुत अच्छा लगता है, बुक पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, पर उसे ये सारे जो बुक्स हैं वो इनमें इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है ज़्यादातर, इसलिए उसे वो थोड़ी बोरिंग लगती है, स्ट्रेंज लगती है। और फ्रेंड कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो लास्ट डे में तुम क्या कैप्टन मीन्स के कुछ मतलब के अपने मार्क्स लेने आए हो, क्या करने आए हो तुम? टेब्लो कहता है कि नहीं मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ। तो फ्रेंक सपोर्ट ज़्यादा है, वो कहता है कि तुम लास्ट डे स्कूल के लास्ट डे पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो, मतलब कि ये थोड़ा अलग लगता है उनसे। तो टेब्लो कहता है यस सर आई माइट बी प्लेइंग बॉल, यू थिंक ही हैव इनफ टू डू एनीथिंग हिमसेल्फ कंसीडरिंग हिज लिविंग टुमारो फॉर गुड, बट ओ नो I missed a day last week when I was ill, so here I know and look at the weather, sir. Frank kehta hai bad luck still there is no confirm. You are pretty well certain to get your remote tomorrow for being good boy in the testing, taking extra work. तो हम पे बात कर रहे हैं कि अभी सर मैं कभी गोल्फ खेल रहा था पर कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट वीक में, इसलिए मैं आ नहीं पाया स्कूल, इसलिए मैं आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए आ रहा हूँ, वरना मैं आज स्कूल वहीं पर गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन वेदर कितना अच्छा है वहाँ। तो फ्रेंड कहता है बैड लक, तुम्हारे कम्फर्ट के लिए स्किल अभी तक वो आई नहीं है, कौन मिसेस ऑल्टर हैरिस है वो अभी तक आई नहीं है। तो वो कहता है कि तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो तो अब तुम्हें रिमूव मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तब लोग कहते हैं वेल आई एम नॉट श्योर सो श्योर सर दैट वुड बी अ ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर ऑल राइट। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो हाँ वो एक्स्ट्रा मार्क्स अगर कोई भी स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आता है तो डेफिनेटली सारे जो सर हैं उनको सारे मास्टर हैं उन्हें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देते हैं, रिमूव देते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर हैरिस को लेके। द जस्ट वुडंट डेयर टू गिव अ चांस टू रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क बट डोज शो ही रूल डजंट अप्लाई टू क्रूक, क्योंकि मिस्टर क्रूक हैरिस पर यह रूल अप्लाई नहीं होता, बाकी सारे मास्टर अगर दे भी देते होंगे पर हमारे मिस्टर हैरिस नहीं देते हैं। आई आज के हिम यस्टरडे आउट लाइफ विद मी एंड गिविंग मी अ रिमू एंड यू नो टू यू नो वॉट इज सेड सर। और मैंने उनसे पूछा भी था, टेब्लो कहता है मैंने हैरिस सर से पूछा था मिस्टर हैरिस से कि क्या वो मुझे रिमूव देंगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? फ्रेंक कहता है नो वॉट क्या कहा? टेब्लो कहता है इमीडिएटली अ वेरी जेंटली रादर ड्रॉइंग बोर्ड, अब उसको कॉपी करके मिस्टर हैरिस की जो आवाज़ है उसको बोर्ड को वो बोलता है माई डियर टेब्लो आई हैव गिवन यू एक्सट्रीमली वॉट यू डिजर्व नो लेस एंड नो सर्टेनली नो मोर टू यू नो सर आई थिंक ही मे
knock me down rather than up. For taking extra work, I meanly mean hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir, have I gone too far? फिर पहले टैप जो है वो उनकी कॉपी करता है कि वो कहता है कि मिसेस मिस्टर हार जो हैरी से उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे ज़्यादा और कम मार्क्स नहीं देंगे, मैं जितना डिजर्व करता हूँ मुझे उतने ही मार्क्स देंगे, चाहे मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँ या ना करूँ। और वो मुझे थोड़े हार्ड लगते हैं बाकी टीचर से, ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड हैं। और फिर उसे ये रियलाइज होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा बोल दिया अपने सर के बारे में, इसलिए वो सॉरी कहता है। फ्रैंक कहता है हाँ तुम ज़्यादा ही कुछ बोल गए। टेप्लो कहते हैं सॉरी सर आई डोंट केयर इट वे, उसने कहा कि सॉरी सर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी फीलिंग, इसलिए मैंने बोल दिया। फ्रैंक कहता है इमीडिएटली ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर एंड ही ओपन्स इट एंड टेप्लो, सो फिर टेप्लो को बोलते हैं हाँ, तो टेप्लो कहता है यस सर। टेप्लो व्हाट वाज द क्रोक हैरी सेड टू यू जस्ट इट रिपीटेड टू पुट यू, कहता है कि तुमने अभी जो कहा मिसेस हैरिस ने जो तुमने कहा वो रिपीट करोगे एक बार फिर से। टेप्लो कहता है ठीक है। इमीडिएटली अगेन माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एक्जेक्टली व्हाट यू डिजर्व नो लेस एंड सर कैन यू नो, फिर से वो सब रिपीट करता है। फ्रैंक कहता है लुक इन सेवन नो नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एकेलिस एकेलस एंड डी बी क्वाइट। टेप्लो कहता है विद दिस लाइक एकेलिस मैं यहाँ पे वो कहता है कि अब तुम चाहो तो एकेलिस पढ़ो और फिर क्वाइट भी बैठे रहो यहाँ पे, इसका वेट करो हैरिस का, मिस्टर हैरिस का। तो डेप्लो कहता है उसे रीडिंग बुक करना पसंद नहीं थी एकेलिस को, तो एकेलिस मैं एकेलिस पढ़ूँ। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसका जो कन्वर्जेशन है मिसेस फ्रैंक का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आगे का जो कन्वर्जेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।